लाल यादव निरहुआ के चुनाव प्रचार में कोई भी भोजपुरी स्टार नजर नहीं आ रहा है। जी हां, दिनेश लाल यादव के सपोर्टिंग नेचर की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई कहता है कि उनके जैसा सपोर्टिंग नेचर, उनके जैसा सुलझा हुआ इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में और दूसरा कोई एक्टर नहीं है। वो हमेशा सभी के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन ये क्या, जब चुनाव प्रचार की बारी आई तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए यानी कि उनका चुनाव प्रचार करने के लिए कोई भी स्टार उनके साथ नहीं है। बताया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आधे से ज्यादा लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ की रैलियों में प्रचार प्रसार के लिए कोई भी भोजपुरी स्टार नहीं जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि कोई भी भोजपुरी स्टार यानी कि खेसारी लाल जैसा कोई भी बड़ा स्टार प्रचार प्रसार करने जाएगा तो वो मोटी रकम लेगा, न कि वो सस्ते में ही निरहुआ का प्रचार प्रसार करेगा। वैसे भी जिस तरह से नेताओं के लिए अभिनेताओं का सपोर्ट जरूरी है, उसी तरह अभिनेताओं को भी तो किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, और बगैर पैसे के यहाँ कुछ नहीं होता। वैसे भी एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव ने खुले तौर पर कहा था कि अगर उन्हें मोटी रकम दी जाएगी तो वो किसी का भी प्रचार करेंगे, किसी भी पार्टी का प्रचार करेंगे, बगैर पैसा लिए तो वो किसी भी पार्टी का प्रचार करने नहीं जाएंगे। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ की रैली में कोई भी भोजपुरी स्टार क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें तो मोटी रकम चाहिए कि वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ प्रचार प्रसार कर सके। और वैसे भी यहाँ एक बात और उठती है, दिनेश लाल यादव निरहुआ से बड़ा स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में है कौन, या फिर पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव, लेकिन जब वो खुद ही इतने बड़े स्टार हैं तो उन्हें किसी प्रचार प्रसार की क्या जरूरत। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।